यूपी की योगी सरकार के खिलाफ उनके ही विधायक एक एक करके कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी गोपामऊ के विधायक तो कभी बरेली के विधायक, कभी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो कभी यूपी पुलिस के कामकाज पर। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार की बढ़ा रहे चिंता, कहते हैं उनकी कोई नहीं सुनता। कभी सरकार के राज पर, कभी पुलिस प्रशासन के कामकाज पर, तो कभी भ्रष्टाचार पर। कभी यूपी के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश सरकार के कामकाज से नाराजगी जताते हैं, तो कभी बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा पुलिस के कार्रवाई के रवैये पर नाराज हो जाते हैं। यूपी के बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल ने एक पत्र लिखकर टॉप 10 बदमाशों की तर्ज पर टॉप 10 कुख्यात पुलिस वालों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। पत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर उन्होंने लिखा था कि पुलिस हकीकत में निर्दोषों पर कार्रवाई करती है और आपराधिक किस्म के व्यक्तियों से साठगांठ कर अपराध को बढ़ावा देती है। यानी बीजेपी विधायक की बात करती है हकीकत की तहकीकात। विकास की पत्नी ने जो कही थी बात, उससे साफ होता है कि यूपी पुलिस और बदमाशों की अच्छी है मुलाकात। इससे पहले गोपामऊ के विधायक ने फेसबुक पर लिखा था कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूँ। सत्ता पक्ष के दो विधायकों का ये कहना दर्शाता है कि सूबे के हालात क्या हैं। ये सवाल आम नहीं है, इन सवालों से निकल रहे हैं कई और सवाल। आखिर कैसा है राज्य का हाल, जहां सत्ता पक्ष के विधायक हैं बेहाल, जो सरकार पर खड़े कर रहे हैं सवाल। तो आप ही सोचिए कि यूपी की जनता का आखिर क्या होगा हाल। जीबी लाइव की रिपोर्ट।